आज हम लोग 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं और हमने आप लोगों को पहला प्रैक्टिकल दिया था कि आप अच्छे से उसे पढ़ करके आएंगे। प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या था? दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना, यानी उसमें एक आपको लवण दिया जाएगा, हम उसे लवण बताएंगे नहीं। देखिए हमने ये आपके लिए एक लवण निकाल के रखा है, ये देखिए, और हम आपको बता नहीं रहे हैं कि यह लवण कौन सा है। आप इसमें से एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करेंगे, क्योंकि लवण में मोस्टली एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक ही होता है। आपके पाठ्यक्रम में मिक्सचर नहीं है, इसलिए आपके में एक सिंपल लवण दिया जाएगा और उसमें एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की आपको पहचान करना होगा। आवश्यक उपकरण क्या क्या लगते हैं? देखिए पहली बात तो ये टेस्ट ट्यूब, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। और ये क्या है? टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये लगेगा। इसके बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर लगेगा, एक स्पिट लैंप आपको लगेगी, और इसके साथ साथ में आपको लिटमस पेपर भी इसमें लगेंगे। ठीक, लिटमस पेपर भी लाए हैं, और इसके साथ साथ में एक कांच रॉड लगेगी और आवश्यक रिजल्ट, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई भी हैं आवश्यक उपकरण में, ये सब चीजें आपको लगेंगी। इतनी चीजें आप एकत्र कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रेक्षण में, जो स्टेप उसमें दिए हैं सब उसी क्रम से चलेंगे। प्रेक्षण में हम किसी भी मूलक का पहले परीक्षण कर सकते हैं, चाहे अम्लीय का या कर लें या क्षारीय का। फिलहाल हमने जो लिखवाया है उसमें पहले है अम्लीय मूलकों का परीक्षण, अम्लीय मूलक का परीक्षण करना, तो उसके अंदर लिखा होगा अम्लीय मूलक का परीक्षण करना। तो इसमें हम चलेंगे पहले अम्लीय, अम्लीय मूलक होते क्या है, पहले एक चीज जान लीजिए मूलक क्या होते हैं, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये ऑलरेडी हम क्लास में भी आपको समझा चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ध्यान दीजिए, लवण का वो आयन जो लवण बनने में अम्ल से आता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। ध्यान दीजिए, लवण का वो आयन जो लवण बनने में अम्ल से आए अम्लीय मूलक कहलाएगा, और लवण का वो आयन जो लवण बनने में क्षार से आता है क्षारीय मूलक कहलाता है। उस दिन क्लास में भी आपको समझा रहे थे कि जैसे अमोनियम क्लोराइड आप लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस निकलता है, और ये बनता किससे अमोनियम क्लोराइड है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया की HCl की क्रिया से। तो HCl से Cl आ रहा है, तो Cl आयन कहां से आ रहा है? HCl, HCl क्या है? अम्ल, अम्ल। तो Cl आयन आपका अम्लीय मूलक कहलाएगा, यानी क्लोराइड आयन आपका क्या कहलाएगा? अम्लीय मूलक। और अमोनियम किससे आ रहा है? अमोनियम आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार, क्षार। तो वो तुम्हारा क्षारी, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारी मूलक कहलाता है। तो चलिए ये चीज आप जान गए अम्लीय और क्षारी मूलक क्या होते हैं। अब चलते हैं आगे परीक्षण में, अम्लीय मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए आपका, और आपको ये टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड कर देंगे, यानी आप उसको इस तरीके लेंगे, क्योंकि आप रिएक्शन कराएंगे, हीट भी करेंगे, आप ऐसे लेंगे पता लगे हाथ में गिर गया एसिड से तो नुकसान करेगा, इसलिए आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या है जरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? परख नली में लवण लेंगे और उसमें तनोचित सोप डालेंगे। पहला पॉइंट क्या है? लवण प्लस तनोचित सोप। तो हम स्पैचुला से लवण ले रहे हैं, ध्यान दीजिए ये हमने लवण ले लिया है। ठीक, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अब हम इसमें तनोचित सोप डालेंगे, उसमें क्या लिखा है प्रेक्षण में देखिए, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं होती है। तो आप देखिए जरा, आपको दिखाते हैं क्रिया होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल देखो, ये क्या तनोचित सोप है? Yes, sir। और देखिए कोई क्रिया आपकी नहीं होगी, वैसे ही रखा रहेगा। कोई क्रिया हुई? नहीं हुई। क्रिया अगर होती तो तत्काल आपको रिएक्शन दिखने लगती है, इसमें झाग बनने लगेगा या कुछ चीजें बनने लगेगा, कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है। Yes, अर्थात कोई क्रिया नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपका इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब है कि उसमें प्रथम समूह जैसे कि कार्बोनेट सल्फाइड व सल्फाइड आयन उसमें उपस्थित नहीं है। अगर ये उसमें उपस्थित होते तो ये क्रिया करता। ठीक, तो ये पहला स्टेप हो गया कि इसमें ये आयन उपस्थित, यानी कार्बोनेट सल्फाइड व सल्फाइड आयन उपस्थित नहीं है। आप इसे हटा देंगे, आपकी गंदी हो गई है, इसको अलग कर देंगे। इसके बाद फिर से आप फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे दूसरी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि लवण प्लस सांद्र H2SO4, यानी फिर से आप टेस्ट ट्यूब में फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे इस तरीके से, और फिर से आप इसमें लवण ले लेंगे।
लौट ले लिया, मैं सांद्र H2SO4 डालेंगे। देखिए यह है सांद्र H2SO4। अब उसमें क्या लिखा जरा पेक्षण में पढ़िए, तीसरे गंध वाली आपको गैस निकलेगी, जरा देखिए। और उसमें क्रिया कोई नहीं हुई थी, देखिए इसमें क्रिया हुई कि नहीं, ये गैस निकल रही है। तो इसका मतलब है कि उसमें क्लोराइड ब्रोमाइड व आयोडाइड आयन हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा सेकंड परीक्षण हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, सूक्ष्म नली में थोड़ा लवण लेकर उसमें तनु H2SO4 डालेंगे और गर्म करेंगे। ध्यान दीजिए, जरा इसमें गर्म करिए, वही सांद्र H2SO4 डालेंगे, तन नहीं सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 है, फिर वही स्टेप है, समझ लीजिए। फिलहाल ये बिना गर्म करने ही आ रहा है, लेकिन अगर गर्म करते हैं आप तो तीसरे गंध वाली युक्त HCl गैस निकलती है। उसके गंध आप तुमको सुना दिखाते हैं, ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी पहले ही रिएक्शन कर रहा है। और लिखा है रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त HCl की गैस निकलती है, आवाज नहीं। अब जिसको गंध लेनी है कि तीक्ष्ण है कि नहीं, ले सकता है। बहुत तीक्ष्ण ये लग रहा है, काफी तीक्ष्ण है, नाक को छेदती हुई जाएगी। दूर से लीजिए, अति दूर से लो, जिसको लेना बताओ। अब ध्यान दीजिए, वास्तव में बहुत तीक्ष्ण होती है, लेकिन क्योंकि ये HCl की गैस है, HCl गैस तीक्ष्ण होती है और रंगहीन है, तो ये गैस रंगहीन निकल रही है। इसको आप थोड़ा अगर लवण और डालेंगे, देखिए तो देखिए आपको निकल रहा है, रंगहीन मतलब कलरलेस, तो ज्यादा दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बड़ी ही तीक्ष्ण होती है। क्लोराइड आयन हो सकता है, क्या हो सकता है? क्लोराइड आयन हो सकता है। अब देन नेक्स्ट पॉइंट चलो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की दूसरी चढ़ लाने पर, अब जाइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालिए, जरा ये इसको खोलिए। अभी तो तुमको कुछ नहीं लग रहा, थोड़ा इसको गर्म कर लेते हैं। देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी भीगी छड़ हम इसके मुख पर ले जाएंगे, तब देखिए क्या लिखा है, जरा उसमें पढ़िए। अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है, देखिए जरा सफेद धुआं कैसे बनता है, देखिए। देखिए बंद हो गया, अब फिर ले जाएंगे आप, ठीक। ये देखो जैसे आप ले जाओगे वैसे देखो कितना धुआं बन गया है। इसका मतलब क्या है कि क्लोराइड आयन निश्चित है, इसमें क्लोराइड आयन है, क्योंकि HCl निकल रही है, वो अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, इससे अमोनिया निकल रहा है और इससे HCl निकल रहा है, तो अमोनिया HCl में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये उसी का धुआं है। अब चला नेक्स्ट स्टेप इसका है, वो क्या है वो देखिए जरा, उसमें है परग नली में थोड़ा लवण लेकर उसमें MnO2 तथा सांद H2SO4 डालकर गर्म करने पर, तो जरा आइए लवण लेते हैं। लाल Cl आयन कंफर्म हो चुका है, यस सर, लेकिन फिर भी और कंफर्म कर लीजिए। अब देखिए ये देखिए ब्लैकिश पाउडर है और ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnO2 का, हम इसको थोड़ा लेंगे। देखिए थोड़ा हमने डाल दिया है, ठीक। अब क्या लिखा है, सांद्र H2SO4 डालने पर, सांद्र H2SO4 डालिए उसमें जरा, अभी नहीं इसको गर्म करोगे तो हरे पीले रंग की दम घोटने वाली क्लोरीन गैस निकलेगी, अभी तो ये HCl गैस निकल रही है, अभी थोड़ा गर्म करो इसको।
देखिए, अरे पीला रंग की आ रही है, तो ये यही जो है क्लोरीन गैस के कारण होता है। दिखाया है हरे पीले रंग की दम घोटने वाली क्लोरीन गैस निकलती है। अब जिसको सूंघना है दम घोटने वाली है, दमें घोट देगी समझ लीजिए। तो देखिए पीला पीला कलर हो गया है, तो इसी कारण ये, इसका मतलब क्या है कि क्लोराइड आयन निश्चित है। ठीक, चलिए अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्षारी मूलकों की। तो पहले एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें क्या लिखा है पहला पॉइंट बताइए जरा। आप लवण लेंगे प्लस उसमें सांद रहने डालेंगे और गर्म करेंगे। देखिए ये हमने लवण ले लिया है और इसमें देखिए ये है सांद्र NaOH। अब लीजिए इसमें डालिए जरा। अब क्या करना है आपको, लिखा है गर्म, क्या लिखा है तेज गर्म करने पर, तो गर्म करने पर आपको अमोनिया की तीक्ष्ण गंध आएगी और जिसको सूंघना है सूंघिएगा। और ये गंध वैसे ही आएगी जैसे टॉयलेट में जाते हो, टॉयलेट में भी अमोनिया निकलती है, सेम वही चीज है। अब किसको अमोनिया की खुशबू लेनी है, अरे बहुत है। जिसको लेना हो बताओ, लेना जिसको लेना हो, फिर जानोगे कैसे अमोनिया खुशबू कैसी होती है, कैसे जानोगे दो? यस सर, नहीं कुछ बताओ। देखो जिसको कोई गर्ल्स लेना चाहती है, कभी अगर सूंघा नहीं है तो सूंघ सकती हो। इसका मतलब क्या है कि शून्य समूह उसमें उपस्थित है। ठीक जी सर। दूसरा लिखा है परखने की लौ सांद्र एनर्ज ब्लेंड के साथ गर्म करने का प्रणाली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ लाने पर, अब फिर वही क्रिया होगी, अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनेगा। तो चलिए अब इसको हटा दीजिए और सांद्र HCl निकालिए। देखिए कहाँ है सांद्र, देखिए सांद्र HCl लिया है और इससे अमोनिया निकल रही है, तो अमोनिया HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो फिर से अमोनियम क्लोराइड का पहले क्या हो रहा था, HCl निकल रहा था उससे अमोनिया निकल रही थी, तो अमोनिया अब देखिए जरा वैसे ही बनेगा धुआं। ठीक, देखिए फिर से, क्योंकि इससे अमोनिया आ रही है, देखिए इससे अमोनिया आ रही है और इससे HCl और HCl अमोनिया करके अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये अमोनियम क्लोराइड का धुआं बन रहा है। फिर से दूर गायब हो गया, फिर लाए फिर से बनने लगा। तो इसका मतलब हो सकता है इसमें अमोनियम आयन मूलक निश्चित है, इसमें अमोनियम आयन निश्चित है, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए परनली की लौ लेकर साम एज ब्लेंड के साथ गर्म करके परनली के मुख पर किसकी भीगी लाल लिटमस पेपर की छड़ लाल लिटमस पेपर लाने पर, जरा इसी के मुंह पर भी ला सकते हो, लेकिन हम चलिए जैसा लिखा वैसा करके दिखाते हैं। इसको हटा दीजिए, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और फिर से इसमें लवण लीजिए और इसमें फिर से NaOH डालिए। ठीक, खोलो तुम और इसको डाल दिया, अब देखिए कैसा मजा आएगा। अब आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, तो उस समय अम्ल की बात कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया था नो। मेरे पास ये देखिए लाल लिटमस पेपर है, ये ऐसा होता है, पानी रहिए थोड़ा, ये लाल लिटमस पेपर, ध्यान दीजिए आवाज नहीं छा, बंद रहिए। अब इसको लाल लिटमस पेपर छार की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, नीला। आज तुमको हम दिखाएंगे कैसे अमोनिया क्या होती है, छार होती है। और इसको भिगो लीजिए जैसे हम पानी में, देखिए ये देखो लाल नीला हो गया कि नहीं, जी सर जी सर, देखिए नीला हो गया, जैसा काल वैसा था वैसा नीला हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अमोनिया मूलक निश्चित है, यानी अमोनियम आयन पे निश्चित है। ठीक, इससे लागो तो क्योंकि अमोनिया
कैसा होता है, छार होता है, तो ये लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब आएगा, ध्यान दीजिए, परिणाम। परिणाम कैसे लिखेंगे? अब आप परिणाम क्या लिखेंगे, क्या आपने निकाला? अम्लीय मूलक कौन था? क्लोराइड आयन निकाला था, और क्षारीय मूलक अमोनियम आयन। तो आप लिखेंगे दिए गए कार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक क्लोराइड आयन तथा क्षारीय मूलक अमोनियम आयन प्राप्त हुआ, और इस प्रकार आपका दिया गया लवण अमोनियम क्लोराइड है। क्यों? अमोनिया और क्लोराइड मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल ये पूरा हो जाएगा। चलिए।